दोस्तों, अगर आपका भी ओप्पो कंपनी का मोबाइल है और आपके मोबाइल में भी कलर करेक्शन की प्रॉब्लम हो गई, आपके मोबाइल में कलर बिल्कुल भद्दा दिख रहा है, आपका मोबाइल बिल्कुल ही डिस्प्ले ख़राब हो गया है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आप सभी को सारी जानकारी मिल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष और आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपका ओप्पो कंपनी का कोई भी मोबाइल हो, आप सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आप सभी को सेटिंग वाले आइकन पर क्लिक करना है। आप सभी को सेटिंग ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद स्क्रॉल करते हुए सबसे नीचे आ जाना है और यहाँ पे आप सभी को एक ऑप्शन मिलेगा एडिशनल सेटिंग्स का। आप सभी को एडिशनल सेटिंग्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप एडिशनल सेटिंग पर क्लिक करेंगे, स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे, एसेसिबिलिटी पर क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पर आप सभी को कलर करेक्शन का एक ऑप्शन मिलेगा। आपको बाय डिफ़ॉल्ट ये इनेबल हो जाता है, इसे आपको बंद कर देना है। जैसे आप इसे बंद कर देंगे, आप इसके बाद देखेंगे कि आपके मोबाइल की कलर करेक्शन की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गई है और जो भी आपके ओप्पो कंपनी का कोई भी मॉडल हो, अगर आपके में ये प्रॉब्लम हो जाती है तो आप इस प्रकार आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। चुटकियों में मैंने आप सभी को सारी जानकारी बता दी और वो भी बिल्कुल फ्री है, कोई भी चार्ज नहीं लगता है। बहुत सारे लोगों का अगर डिस्प्ले ख़राब हो जाता है तो वो सोचते हैं कि कंपनी की फॉल्ट हो गई या कोई प्रॉब्लम हो गई, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, आप इजीली इस तरीके से सही कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन जरूर कर लीजिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।